नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। कल 96 वर्ष की उम्र में एलिजाबेथ टू का निधन हो गया। जी हाँ, कल रात उनका निधन हुआ। उसके बाद जो है पूरे इंग्लैंड में जो है शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी मौत पर खुशी भी मनाई, इसको लेकर के जो है एक अलग इतिहास है, लेकिन मुख्यतः लोग जो है क्वीन एलिजाबेथ टू की मौत पर जो है काफी ज्यादा जो है शोकाकुल हो गए। भारत से काफी पुराने संबंध है क्वीन एलिजाबेथ के, गांधी जी के समय से जो है उनके संबंध जो है भारत से काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो कोहिनूर का किस्सा से लेकर के तमाम चीजें जो है वो आपको पता चल जाएगी कि क्या रिश्ता भारत और क्वीन एलिजाबेथ का था। इसी वजह से 2017 और 18 में जब यूके पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की थी, बातचीत की थी और कई सारी चीज़ें जो है क्वीन एलिजाबेथ के साथ शेयर की थी। और क्वीन एलिजाबेथ ने भी कई सारी बातें बताई थी। उन्होंने वो रुमाल भी दिखाया था जो गांधी जी ने उन्हें क्वीन एलिजाबेथ की शादी के समय जो है गिफ्ट किया था और किस तरीके से वो उन्होंने संभाल करके रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मौत पर जो है शोक काफ़ी ज़्यादा व्यक्त किया। उन्होंने उनके साथ यूके दौरे में जो खिंचाई हुई तस्वीरें थी उसको साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज एक युग का जो है समापन हो गया। और काफ़ी ज़्यादा जो है उनके पोस्ट में जो है भावुक करने वाली चीज़ें लिखी हुई थी और ये साफ तरीके से दर्शा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्वीन एलिजाबेथ टू की मौत पर जो है काफी ज्यादा दुखी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहो, देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।